माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत क्या जानने वाले हैं, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत जो है कि हम लिंक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हाइपर लिंक बुक मार्क और जो है क्रॉस रेफरेंस को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं क्या चीज हाइपर लिंक ऑप्शन को। तो हाइपर लिंक ऑप्शन क्या चीज, मैंने बताया कि सबसे पहले जैसे कि हम क्या करते हैं वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें जो है हमको क्या मिलता है डाउनलोड क्लिक किया या कोई भी, जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वेबसाइट में ही चले गए, यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जो है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है कुछ वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम कहाँ गए, कोई भी वेबसाइट में मैं पहुंचा। यहाँ पर जैसे कि मेरे को क्या करना है, मान के चलो मेरे को लिखना है व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, तो मैं यहाँ पर जो व्हाट इज कंप्यूटर लिखा और व्हाट इज कंप्यूटर लिखा तो यहाँ पर तो कुछ जानकारी दिख रहा है, लेकिन स्क्रॉल हम करेंगे तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये लिंक, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है ना वेबसाइट बने हुए हैं वहां तक मुझे पहुंचाने का काम करेगा। तो ऐसी जो कार्य जो है ना वो क्या कहलाते हैं आपके एक्चुअल में जो है बोलना चाहिए कि क्या होते हैं हमारा हाइपरलिंक का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तक काम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सपोज जो है कि यहाँ पर मैं गया और जाने बाद मैं क्या करता हूँ क्लिक हियर लिखा, सपोज एग्जाम्पल के लिए क्लिक हियर, या फिर जो है मैंने क्या कर दिया एक वर्ड लिखा डाउनलोड। हाँ, अब मेरे को क्या करना है, या फिर यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं क्या चीज, एक्सेल डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल, मैं जो है कि क्या चाहता हूँ एक्सेल फाइल को मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्लियर कर दिया, या लिंक एक्सेल फाइल लिख सकता हूँ लिंक, है ना, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये मैं क्या करूंगा यहाँ पर डाउनलोड वाले को हम पहले सोच करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने बाद मैंने क्या किया यहाँ पर हाइपर लिंक में गया। हाइपर लिंक में जाने के बाद जो है कि देखिए ये डाउनलोड का जो फोल्डर है खुल रहा है, लेकिन आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर वो फाइल है या आपके डेस्कटॉप के अंदर गत है उसको आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको फाइल दिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर मैं गया, अब जो है डॉक्यूमेंट के अंदर गया तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे फाइल दिखे। अब जैसे कि मेरे को क्या है ना, मेरे को अपनी वर्ड फाइल में रहते हुए अन्य किसी फाइल की मेरे को बारम्बार जरूरत पड़ता है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट होते हैं तभी हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी दूसरी फाइल को अटैच करेंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर भारती जो नाम दिख रहा है फाइल, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने बाद मैंने क्या कर दिया ओके। अब ये देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होने के साथ साथ जो है ना माउस को मैं ले गया तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक दिया हुआ है, तो हम क्या किया इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना तो जो है ना वो फाइल को ओपन करेगा। यहाँ पर एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको यस किया, अरे यस किया तो देखिए वो फाइल खुल गया, देखिए भारती थिएटर रिवाइज करके दिख रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं अभी क्या करता हूँ इसका कलर को अभी चेंज कर दिया। ठीक, चेंज करने के बाद मैंने क्या कर दिया इसको ये कलर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है कि क्या चीज है यहाँ पर मैं गया और इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को बंद कर दिया, मेरा फाइल का कलर है क्या चेंज, नहीं। अब हम एक चीज क्लियर हो सकता है ना कि आपके दिमाग में आया कि यही फाइल हुआ होगा करके, तो अब हम क्या करते हैं देखिए हमारा फाइल का जो नाम है डॉक्यूमेंट वन है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर यस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फाइल खुल गई, देखिए भारतीय थिएटर रिवाइज करके फाइल हुई। तो क्या होता है कि किसी अन्य फाइल की जो है कि हम क्या करते हैं आवश्यकता जब हम बार बार महसूस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है उस फाइल को जो हम क्या कर सकते हैं लिंक करके रख सकते हैं। सपोज हमको कोई दूसरा फाइल लेना है, जैसे मेरे को एक्सेल फाइल इसके साथ जोड़ना है, सिलेक्ट मैंने किया, यहाँ पर हम जाएंगे हाइपर लिंक में, हाइपर लिंक में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है एक्सेल आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया एक्सेल फाइल है, देखिए इसके सिंबल से पता चलते हैं। ठीक, और यहाँ पर मैं क्या किया इसको ओके कर दिया तो देखिए इसमें लिंक्ड हो गया। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है कि क्या है ये फाइल जो है डायरेक्टली खुल के दिखेगा, कभी कभी ये भी होता है कि हमको टास्क बार में भी शो अप कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर जो है क्या किया इसको कंट्रोल के साथ क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऊपर बॉक्स में दिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन और क्लिक बटन दबाएंगे, यहाँ पर ऐसा शो करेगा, यस हम करेंगे तो ये फाइल जो है कि क्या है देखिए टास्क बार में आ गया, इसको क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है जो फाइल हमने लिया हुआ था जिस कंप्यूटर तो फाइल खुलेगा, अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं बना है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो जो है कि क्या होता है किसी भी हम फाइल को क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल को जोड़ना चाहते हैं उस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बीच के जो वर्ड हैं इसको भी आप क्या करना चाहते हैं लिंक्ड करना चाहते हैं, सिलेक्ट किए यहाँ पर हाइपरलिंक में गए जिस फाइल को जोड़ना है उसको आप सिलेक्ट किए ऐसे यहाँ पर ओके, देखिए कलर अलग हो जाए।
इससे ये पता चलता है आपको क्या करते हैं, गूगल में भी जाते हो ना और सर्चिंग करते हो तो कई पैराग्राफ लिखा रहता है तो ऐसा आपको दिया रहता है, इसमें मैं क्लिक हियर भी लिखा रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज। आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक हर को खोलोगे खुल जाएगा, तो इसलिए होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो है हाइपरलिंक का एक बेसिक पार्ट को समझे। अब जो है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, जैसे कि आप कोई कॉपी किताब पढ़ते हो तो इम्पोर्टेंट लाइन को आप जो है ब्रेकेट में अंडरलाइन या फिर जो है कि हाईलाइटर करते हो ना, तो वैसे जो है कि क्या चीज है, हमको कोई इम्पोर्टेंट लाइन को क्या करना है, एक सिलेक्शन करके रखना है। तो इस कंडीशन पे क्या करते हैं, जैसे कि ये मैं मान के चलते हैं ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैं इसको अलग से रखना चाहता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने बाद यहाँ पर बुक मार्क में गया, बुक मार्क में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने बाद ऐड कर दिए। उसी तरह से इस डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पर जो है कि ओवरऑल वर्ड दिख रहा है, इसको भी मैं सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने क्या कर दिया कॉपी किया, और कॉपी करने बाद यहाँ पर गया बुक मार्क में, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम कर लिए। अब जो है कि कभी भी हमको वो वर्ड देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन है, अगर नया जोड़ना है तो, अगर ये जो हमने ऐड करके रखा हुआ है तो डिलीट कर सकते हैं, और इसको देखना है तो हम देख भी सकते हैं। मैं जैसे ही गो टू को क्लिक किया, आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएंगे, शो करेंगे। यहाँ पर अगर मैं गैलरी को देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखेंगे गो टू को, ये देखिए। अब जो है कि क्या चीज है, हो सकता है हमने एक वर्ड को लिया, यहाँ पर अगर हमको कोई एक लाइन दो दो लाइन या फिर जो है हमको एक पैराग्राफ को लेना है, तो हम मान के चलते हैं ये पैराग्राफ लिए। पैराग्राफ को अगर आप सोचते हो कि भाई मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर ऐड करूंगा, तो जो है आप पेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ये सिंगल वर्ड को समझता है। यानी कि क्या चीज है, यहाँ पर अगर आपने क्या किया है, एक वर्ड लिखा है तभी समझिएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किए, वर्ड के लिए जो है क्या कर सकते हैं, अगर आप जो है क्या करेंगे नंबरिंग ऐड करेंगे ना तो इसको नहीं लेगा। अगर मैं जो है कि कैरेक्टर लूंगा तो देखिए ऐड ऑप्शन ओपन हो गया, लेकिन अगर मैं वन ले रहा हूँ तो देखिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, पैराग्राफ ये वन है, टू है, थ्री है, तो भाई मैंने अब क्या कर दिया, साफ कर में पैरा लिखा, यानी पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म, और क्या कर दिया यहाँ पर जो है टू कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसको ऐड, अब कभी भी देखना हो, ठीक है, क्या करना हो मेरे को, कभी भी देखना हो मैं क्या करूंगा, कर्सर कहीं पे भी रखा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम जाएंगे बुक मार्क में, मेरे को मैंने क्या रखा है पैराग्राफ टू, यहाँ पर मैं क्या करूंगा गो टू को क्लिक करूंगा, देखिए सिलेक्ट होके। तो जो है कि बुक मार्क का जो यूज है, हमने कोई इम्पोर्टेंट लाइन वर्ड या फिर पैराग्राफ को हमने क्या किया हुआ है, बुक मार्क करके रखा हुआ है, उसको अलग से देख पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला जो है क्या चीज है, यहाँ पर हम गए मान के चलो मैं एक नया पेज में जाता हूँ, इंसर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ले सकते हैं, क्लिक किया यहाँ पर एक नया पेज आया। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हमको हमने हाइपरलिंक जाना, बुक मार्क पर जाना, अब क्रॉस रेफरेंस आ रहा है, क्रॉस रेफरेंस में आपको बहुत सारे टाइप के मिल रहे हैं, बट जो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद क्या करते हैं नंबरेड आइटम शो कर रहा है, इसको क्लिक किया, यहाँ पर हमको ये जो है ना रेफरेंस टाइप बहुत सारे दिख रहे हैं, नंबरेड आइटम, हेडिंग, मार्कअप, लोकेशन। तो अभी हमने क्या यूज किया हुआ है, बुक मार्क। तो अभी हम क्या करेंगे, बुक मार्क को सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क को सिलेक्ट करेंगे, देखिए उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर शो कर रहे हैं, कर्सर यहाँ पर है दिख रहा है। मैंने क्या चाहता हूँ कि मैं गैलरी वर्ड को अलग से किसी दूसरे पेज पे ला पाऊँ, तो मैं क्या करूंगा इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, देखिए आ गया। इसी तरह से जो है कि मेरे को क्या चाहिए, ये ओवरऑल वर्ड को चाहिए, इंसर्ट किया आ गए। इसी तरह से जो है कि क्या चीज, अगर मेरे को पूरा पैराग्राफ लेना सिलेक्ट किया, ये आ गया, ये हमारे पेज में आ जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ से गया इसको लिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो है कि ये तीनों जो है ना अलग से हमको अगला पेज में दिख जाते हैं। अब सपोज एग्जाम्पल के लिए कि ये कहाँ से आया अभी देखना है, तो देखिए जैसे हमने हाइपरलिंक यूज किया तो कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक ऑप्शन शो कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाएंगे, उस जगह में हम जो है पहुंच जाएंगे, दिख रहा है कहाँ पर गया है, यहाँ पर गैलरी वर्ल्ड है, यहीं पर कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है। अगर हम जाएंगे यहाँ पर क्या चीज है, ओवरऑल में कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है। उसी तरह से हम जाएंगे कहाँ, यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखना है कहाँ से आया है, कंट्रोल के साथ क्लिक दबाइए, कर्सर कहाँ है, सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में शो कर रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज हम